उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज हमारे पास नोकिया का मोबाइल बनने के लिए इनवैलिड सिम बता रहा है ये देखें नोकिया है टी है ग्यारह बयानवे मॉडल है और इसका इशू ये है कि ये सिम लगाने के बाद सिग्नल छोड़ जाता है यानी सिम जैसे लगाते हैं तो इनवैलिड सिम बताता है ये ऑन करके देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ देखें आप नोकिया के अंदर मैंने सिम लगाई हुई है अब देखें जैसे सिग्नल आएंगे उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फेल्ड लिख रहा है यानी इनवैलिड सिम या रजिस्ट्रेशन फेल्ड सेम बात होती है तो यानी ये ब्लॉक हो चुका है अब ये हम इसकी आए, आ, आ, आई एम आई रिपेयर करेंगे देखिए आई एम आई क्या है स्टार है ज़ीरो सिक्स हैश हमने चेक कर लिया इसकी पहले की आई एम आई अब हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर का जो कोड है वो आपको बताता हूँ क्या है आप मिलाएंगे स्टार हैश ज़ीरो वन सिक्स ज़ीरो स्टार हैश नहीं हुआ ख़ाली हैश मिलाना हुआ स्टार नहीं स्टार हैश ज़ीरो वन सिक्स हैश देखें आ गया हम ये यह यहाँ पर जो ये नंबर आई है, आई एम आई लिखा हुआ है ये यह हम यहाँ से मिटाएंगे ओके करके दूसरा लगाएंगे और उसके बाद हमारा ये फ़ोन ओके हो जाएगा अब देखें मैं इसको ये दूसरा मिटा रहा हूँ बंद हो गया है दोबारा से स्टार हैश वन सिक्स स्टार है ज़ीरो वन सिक्स ज़ीरोश अब देखेंगे मैं टू टू का चेंज करता हूँ सिम टू का आई एम आई यहाँ से मैं कोई भी लगा देता हूँ वैसे अगर आप किसी और फ़ोन का लगा देंगे तो वो कंफर्म यानी कुछ वक्त के लिए चलता रहता है अगर वैसे ही आप लगा देंगे अंदाजे से तो फिर दो तीन महीने के बाद वो भी ब्लॉक हो जाता है अब ये लगा दिया है ओके सेव ये देखिए सेव कर दिया अब चेक करेंगे सेव करने के बाद कि हमारी ये सिम चलती है कि नहीं चलती फ़ोन को हम बंद करेंगे ऑफ करके फिर ऑन करेंगे ऑफ कर दिया है, अब दोबारा ऑन करते हैं अब देखते हैं हमारी सिम ये चलाता है या नहीं चलाता आई एम आई हमने रिपेयर कर दी है इस मोबाइल की अब हमें पता चल जाएगा कि ये सिम उठा रहा है कि नहीं उठा रहा ये देखें ये ऑन हो गया अब देखें सिम सर्चिंग सर्चिंग जी ये देखें यू फोन आ गया यानी इसने सिम उठा ली है अब वन टू थ्री हम मिलाकर चेक भी कर लेंगे कि हमारी कॉल कनेक्ट हो रही है या नहीं वन टू थ्री अब देखें ये कॉल भी कनेक्ट हो गई ओके हो चुका है अब ये इज़ी सॉल्यूशन है